अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का कर्ज़ और पाकिस्तानी। अच्छा, ये बताने से पहले मैं अपनी नौजवानी का एक वाक्य सुनाना चाहूँगा। मैं वो ये कि नौजवानी में इस्लामिया कॉलेज कराची में मैं पढ़ा करता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 82, 83, 84 की। अच्छा, उन दिनों ये होता ही था कि कराची में जो सिनेमाघर थे, जैसे कैपरी से लेके आगे ओडियन, लैरिक्स, रिवॉली, इन तमाम सिनेमाओं में सुबह फिल्मों का मॉर्निंग शो चलता था, और वो चलता था 11 बजे से लेकर 1:30 या 2 बजे तक। ज़्यादातर अंग्रेज़ी फिल्में चलती थी, उर्दू फिल्में भी चला करती थी। तो हमारे जो दोस्त थे इस्लामिया कॉलेज में, उन्होंने एक मामूल ये बनाया हुआ था कि हफ्ते में या 15 दिन में एक दिन टुल्ला मारा करते थे और सब मिलकर फिल्में देखने जाते थे, 3-4 दोस्त मिलकर। तो एक दिन हम लोग सब जमा होकर पहले कैपिटल सिनेमा गए, कुछ समझ में नहीं आई, फिल्म देखी भी थी, 2-3 और सिनेमाओं में गए। अब एक सिनेमा में जब गए तो कुछ फिल्म विल्म नज़र आई, पुरानी फिल्म थी, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो फिल्म देखने की परंपरा पूरी करनी थी। तो 3-3.5 रुपये का टिकट हुआ करता था, आगे का होता था 2.5 रुपये का, पीछे 3.5 रुपये का, और उससे पीछे का 7.5 रुपये का। बहरहाल 3.5 रुपये का टिकट लेके बैठ गए। अच्छा, मेरी दिलचस्पी नहीं थी फिल्म में, और फिल्म देखते रहे। फिल्म में कुछ इस तरह का मामला था कि फिल्म में दिखाया है कि एक इलाका है, एक अमेरिका में एक काउंटी वगैरह है, और वहाँ पर लोग एक आबादी में रहते हैं, उस आबादी में रहते हैं, उसमें हर आबादी, हर फैमिली की अलग अलग स्टोरी दिखाई कि एक फैमिली है विल्सन के नाम से, डेविड के नाम से, चार्ल्स के नाम से, अलग अलग फैमिली आपस में मिलती हैं, जुलती हैं। अच्छा, उनके जो मर्द हजरात होते हैं वो रात को एक जुए के क्लब में जमा होते हैं, वहाँ जुआ भी खेलते हैं, शराबी भी पीते हैं। तो उसमें बताया ये कि जो एक बंदा होता है विल्सन, वो रेगुलर जुआ खेलता है और बड़ा अच्छा खेलता है, जीतता रहता है। एक दिन वो जुआ हार जाता है, अगले दिन आता है, फिर हार जाता है। तो जब वो हारता रहता है तो एक दिन वो कहता है कि उसके साथी कहते हैं कि जी आओ आओ दोबारा खेलो, तो कहता है नहीं, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए और मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो जुए का जो मालिक होता है डेविड, वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम जुआ खेलो, तुम जब जीत जाओ मुझे दे देना। विल्सन जुआ खेलता है, हार जाता है। करता यह है कि विल्सन खेलता रहता है, डेविड पैसे देता रहता है, और खेलते 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 6 महीने बाद पता चलता है कि जनाब विल्सन साहब जो है ना $25,000 के मकरूज हो गए। तो डेविड कहता है कि भाई तुम्हारे पे $25,000 हो गए। तो विल्सन कहता है भाई मैं क्या करूँ, मैं जीत ही नहीं पा रहा। तो डेविड कहता है कोई बात नहीं यार, किसी दिन कभी तुम्हारे जीत का भी आगाज़ हो जाएगा। और उसको डेविड दोबारा से पैसे देता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि जब एक साल गुजरता है तो इस दरमियान में विल्सन कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी जीतता है, कभी हारता है, लेकिन उसका कर्ज बढ़ता रहता है। वो अदायगी भी करता है, $500 की अदायगी करता है, $1,000 ले लेता है, $500 की अदायगी करता है, $1,000 ले लेता है। वो करते करते जब साल गुजरता है तो जनाब जो विल्सन साहब है उन पर कर्जा चढ़ जाता है कोई $1,00,000 का। अब जो जुए का मालिक होता है डेविड, वो जमा करता है तमाम दोस्तों को, कहता है कि देखो यार, ये विल्सन जो है इसको मैं 1 साल से कर्जा दे रहा हूँ मैं, और इससे कर्जा लौटा नहीं पा रहा है, जुए में हारता चला जा रही है। अब ये बताओ मेरे $1,00,000 है तो मैं क्या करूँ। दोस्त पूछते हैं उससे विल्सन से कि हाँ भाई बताओ, तो वो कहता है यार मेरा घर है, और कहते क्या अमाउंट होगी, कहते $35,000-40,000 का होगा। तो कहते हैं कि यार तुम्हारा कर्जा तो $1,00,000 का है। तो कहता है हाँ मैं क्या करूँ, तो कहते हैं यार तुम अगर घर बेचोगे तो तुम तो बेघर हो जाओगे। तो डेविड कहता है कि यार बात यह है कि जब कभी भी तुम्हारा जीत का लक चला तो फिर मेरे कर्जा कट जाएगा। तो तमाम दोस्त मशवरा देते हैं, कहते हैं डेविड को कि यार देखो तुम तो जुए के मालिक हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम विल्सन को मौका दो कि ये जो है जुआ खेलता रहे, शराबें पीता रहे, और ये कभी ना कभी जीत के ट्रैक पर आएगा जैसे पहले जीता करता था, तो ये तुम्हें कर्जा लौटा देगा। डेविड कहता है ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जनाब मामला चलता रहता है। जब दूसरा साल लगता है तो पता चलता है कि जी तकरीबन $3,00,000 कर्जा वो विल्सन साहब पर हो गया है। अब डेविड साहब जो हैं वो फिर पूरी काबीना जमा करते हैं, साथियों को जमा करते हैं, और वो कहते हैं देखो यार अब कर्जा तो $3,00,000 पर चला गया। अब विल्सन से पूछो क्या करें, तो विल्सन कहता है कि भाई मेरी तो वही सूरत हाल है जो 1 साल पहले थी, और मेरे पास वही $35,000-40,000 का घर है मेरे पास, और तुमने खुद ही कहा था, तुम्हें पता है कि मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, तो मुझे कर्ज देते चले गए, मैं खेलता चला गया, अब मैं जीत ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ मैं। तो डेविड कहता है कि भाई इसका कोई ना कोई हल निकालो, मुझे तो अपना कर्जा चाहिए। तो दोस्त पूछते हैं कि यार इसके पास देने के लिए है क्या जो तुम मांग रहे हो। तो डेविड कहता है भाई अगर ये चाहे तो सारा कर्जा उतर सकता है। तमाम दोस्त हैरान हो जाते हैं कि भाई सारा कर्जा कैसे उतरेगा। तो डेविड कहता है कि भाई इसकी जो बीवी है बड़ी खूबसूरत है, इससे कहो कि अपनी बीवी को डिवोर्स दे और मेरे से वो चर्च में ले जाकर शादी करा दे। अगर ये अपनी बीवी को राज़ी करता है और
मेरे मेरे ये चर्च में जाके मेरी मैरिज करा देता है तो मैं इसके $3,00,000 का कर्जा माफ़ कर दूंगा। मैं विल्सन बड़ा गुस्सा होता है, दोस्त कुछ नाराज़ होते हैं। विल्सन कहता है अच्छा ठीक है मैं अपने घर जाके अपनी वाइफ से बात करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बहरहाल विल्सन घर जाता है, अपनी बीवी से बात करता है। अब दो बच्चे होते हैं तो उसकी बीवी कहती है कि भाई आपके साथ मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है, अब देखें दो बच्चे हैं और अगर आपकी जान ऐसे छूट सकती है कि मैं उससे डेविड से शादी कर लूँ मैं, तो मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ। मैं वो बड़ा खुश होता है कि चलो ये मेरा बोझ उतार रही है ये, और वो उसको डिवोर्स देता है, चर्च में जाकर डेविड से शादी करा देता है। तमाम दोस्त शरीक होते हैं और डेविड ऐलान कर देता है कि आज से जो है विल्सन पे मेरा कोई कर्जा नहीं है। ये वीडियो देखने वाले तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चलता चला गया, हद तो ये है जो कर्जा देने की लिमिट थी वो भी क्रॉस कर गई, लेकिन इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान को कर्जा देते चले गए। 1988 से पाकिस्तान की बर्बादी का हाल शुरू हुआ था और 2018 तक जहाँ पर तकरीबन $15 अरब कर्जा था 1988 में, तो वो 2018 में $105 अरब हो गया था। मेरा तमाम वीडियो देखने वाले सवाल है वो ये कि इतने कर्ज में डूबे हुए पाकिस्तान, इतनी डूबी हुई मीशत और कर्ज पे कर्ज मिल रहा है, और आप खबरों में देख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे कि बैंकों के पास डॉलर नहीं है, कस्टम में पोर्ट पे जो है कंटेनर फंसे हुए हैं, और अभी भी पाकिस्तान को कर्ज मिलने की उम्मीद है। तो मुझे तमाम पाकिस्तानी बताएं कि पाकिस्तानियों के पास ऐसी क्या खूबसूरत चीज़ है कि जो वो डेविड टाइप जैसे लोगों को देख के अपनी जान छुड़ा ले। अल्लाह हाफिज़।